इस जन्म का पाप भगवान इस जन्म में हिसाब लगा दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है, सचिकान में आप लोग का स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक फैमिली में बाप, दो बेटा और बेटी थे। वो बड़ा बेटा का शादी करवाए, जो जो मांगे थे उनके वो पूरे कर लिए। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके घर के बाजू में जो लड़का था वो उनका स्टैंडर्ड इनसे थोड़ा कम था, लेकिन वो दादा लाया था। उसको देखे उन लोग की जेलेसी हो गई, मतलब उनका स्टैंडर्ड कम है हमसे, फिर भी वो ज़्यादा लेके आए। उसके बाद क्या हुआ, उनके बहू को वो सताना स्टार्ट कर दिए, उसको उनका बहू को टॉर्चर करना शुरू कर दिए। हमेशा मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, बोलते थे और लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। वो लड़की बहुत रोती थी, हम आपको जो चाहिए था हमारे घर वाले तो दे दिए, अब शादी हो गई, आपको अगर ज़्यादा चाहिए था तो पहले बोलना चाहिए था, अगर हमारी हैसियत होती तो देते तो शादी करवाते, नहीं तो नहीं करवाते, ऐसे बोलती थी। लेकिन वो बहुत मारते थे, हमेशा कुछ ना कुछ उसका कमियाँ निकाल कर उसको मारते थे। उसके वो घर के सारे काम करती थी, उसकी घर के बाजू में जो घर थी उसके घर को काम करने के लिए एक नौकरानी आती थी। उनका गाय का घर आजू बाजू में था। वो उनके घर के नौकरानी के साथ इसके जब इनके घर में कोई नहीं होता था, इनकी बहू जो है वो बातें कर लेती थी, मतलब सारे सुख दुख बातें करती थी। वो नौकरानी सब कुछ देखती थी, कैसे मारते थे, पीटते हैं, गाली देते हैं, वो सब कुछ देखती थी। एक दिन क्या हुआ, वो शिवरात्रि थी, वो उनकी बहू जो थी वो फास्टिंग रखी थी। वो क्या किया, वो बाल से भी धोए थे, से बाल खुला हुआ था, सारे घर काम के निपटा लिए थे। वो गाय का गोबर निकाल रही थी, उसके पहले की कान में बता रही हूँ। सुबह कोई नहीं था घर में, ना वो बहू की ननद थी, ना उनके देवर था, ना उनके पति थे, वो अकेले काम कर रही थी। उसकी ससुर आ गई, आने के बाद बोले हमको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तुम आके हमारे पैर दबाओ। वो आके पैर दबाने लगी घर की बहू है। वो जो कोई भी अगर कुछ भी बोलता था वो करती थी सब कुछ, वो डर के करती थी। वो पैर दबाने के बहाने उसके साथ गलत हरकत करने लगी। करने के बाद वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोली आपके मन में खोट है इसलिए आप इधर उधर का बातें बोल के मुझे मार रहे हैं, पति से भी मरवा रहे हैं। मैं आज मेरे पति आएंगे तो बोल देंगे, मायके वाले को भी बोल देंगे, आज आपका पर्दा था हम फांस करके ही रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सोचा, सोचने के बाद उसका ससुर उसका पैर पकड़ने लगा। बेटा गलती हो गई, मेरी तो बीवी मर गई है, मेरे मन में मतलब क्या पाप आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा को नहीं भूलना, वो हम बाप बेटा का रिश्ता बहुत ख़राब हो जाएगा, माफ़ कर दो, ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे और आज के बाद तुम्हें कोई टॉर्चर भी नहीं करेंगे, आराम से रहना, माफ़ कर दो, बस इंसानों से मतलब गलती तो होता है, गलती हो गई माफ़ कर दो बेटा, बाप समझ गए माफ़ कर दो। तो फिर क्या किया, वो लड़की आ गई, रोके आके काम में बिजी हो गई, वो माइंड सेट किए थे शायद वो नहीं बोलेगी, लेकिन यही बात तो है ना, वो उनके बाजू वाले जो नौकरन थी उनको बोल दी थी। वो गाय का गोबर निकालते हैं ना, उसके बाद सारे काम ख़त्म करके वो लड़की क्या किया, उनके घर की जो बहू थी वो जाके गाय का गोबर निकालने लगा, बाल से भी खुला था। उसके दौरान क्या हुआ, उसके पति आ गए घर में, थोड़ा लेट में आना था उनको, थोड़ा जल्दी आ गए। आने के बाद उसका पापा जाके उसको बुला के सारे उनके भूख बारे में बोल दिया, मतलब तुम्हारी बेबी की मतलब कैरेक्टर अच्छी नहीं है, वो मुझे पैर दबाने के बहाने आके ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, तुम बहुत मारते हो पीटते हो गाली देते हो, इसके लिए मुझे वो बस में करना चाहता है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था, वो अच्छी नहीं है, तुम्हारा तो किस्मत फूटी है, ऐसे उसके बारे में उसके कान भरने लगा। उसके पति को बड़ा गुस्सा आ गया, एक तो ऊपर से मैं जितना मांग रहा हूँ नहीं दे रहे उनके घर वाले, ऊपर से इतना मतलब घटिया औरत है मेरी, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। वो गोबर ऐसे हाथ में था, उसके हाथ में गोबर हुआ था फूल, वो बाजू में थी ना उनके दूसरे का घर के जो नौकरानी वो काम करके देख रही थी, उसके पीछे से बाल खींच के ना उसको मार मार के घर के अंदर लेके गए। वो चिल्ला रही थी, क्या हुआ क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने क्या किया, मेरा कसूर क्या है। लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के लेके गए, तुम कैरेक्टर लेस हो, मेरे पापा के साथ ऐसे कर रहे हो वैसे करो, तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, माफ़ी मांग रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पापा ने ऐसे किया। वो उल्टा मुझे बोला कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। वो बोला अच्छा, तुम इतना सच्चा व्यक्ति हो, तुम
तुम्हारे साथ मेरे पापा ने ऐसे किया और तुम मुझे कुछ नहीं बोले, मैं कैसे मान लूं तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो पहले आके बोलना चाहिए था। नहीं बोल रहे मतलब क्या है? तुम गलत हो, इसलिए तो मन में चोर है, इसलिए तो छुपा रहे थे। ऐसे बोल के उसके बाद नहीं सुने, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसका उसका ससुर, पति, देवर और ननद चारों ने मिल के एक लोहे का रड है ना, मोटा सा आता है काम करने के लिए, होल बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। भूल है कि क्या किए, उसके गले में ऐसे रख के दो आदमी ऊपर बैठ गए, प्रेस कर दिए, वो मर गए। हाथ पैर सभी पकड़े हुए थे चारों के चार, उसके बाद मर गए। फूल इधर निशान हो गया था, इतना मोटा लोहा ऊपर अगर आप रखेंगे उसके ऊपर तो निशान तो होगा ही। उसके बाद क्या किया, उसको लेके टांग दिए, साड़ी में लेके टांग दिए। बोले वो आत्महत्या कर ली, वो ऐसे से गलत कर रही थी, जब हमने उसको देख लिया, पकड़ लिया, बोल दिया, उसको शर्म आया, वो गलती का एहसास हुआ, उसके बाद जाके वो मर गई। वो उनके घर वाले आए, उनके घर वाले यकीन नहीं किए, झूठे बहुत मारते थे, पीटते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, उनके घर वाले ने मार दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लेके उसको जला दिया, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सारे गांव वालों को मालूम था, लेकिन इतना वो दुर्दांत लोग थे, सब लोग डर के कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद मैटर क्लोज हो गया। कुछ दिन हुआ, दूसरी बार वो लड़का शादी किया। ऐसे बीवी अच्छी नहीं थी, लड़की अच्छी नहीं थी, दूसरी बार शादी करेंगे तो अच्छी घर से तो लड़की देंगे नहीं, गरीब घर की लड़की थी वो। उसके बाद शादी हो गई, ऐसे ऐसे लड़की खराब थी, ऐसे थे, बोल बोल के शादी कर ली। दूसरी बीवी का एक लड़का एक लड़की हुआ। कुछ दिन ऐसे चला, उसके बाद दिक्कत स्टार्ट होने लगा। वो लड़के का जो पापा था ना, वो वॉकिंग करके जा रहा था, वो गवर्नमेंट टीचर था, वॉकिंग करके ऐसे जा रहा था, एक ट्रक आके उसके ऊपर चढ़ा दिया, बस पट डेथ हो गया उसका। उसका जॉब क्या हुआ, उसके बेटी को मिल गई। उनके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वो उसका बेटी जो थी वो 10th तक पढ़ी थी। उसके पापा के जॉब वो लड़की को मिल गई। वो जॉब देखे कि बड़े घर का लड़का, उसे शादी कर ली। वो घर के पास स्कूल था, इसलिए वो मायके में शादी के बाद रहती थी, लेकिन वो उसी के पैसे से सब्जी वगैरह आता था, वो खाती थी, बाकी सब लोग कुछ कुछ बचत हो जाता था, सब लोग खा लेते थे, इसलिए उसको सब लोग रानी बनाकर रखे हुए थे। सब लोग उसको हाँजी हाँजी करते थे, सब लोग डरते थे उसको, क्योंकि उसके पैसा से घर चल रहा है। वो ऐसे करके उसका भाई का लड़का जो था वो 10th में आ गया। 10th में एक दिन ट्यूशन से आके आने के टाइम में उसको जो बिजली कड़कता है ना, तो मिट्टी से ऑटोमेटिक ही एक मशरूम निकलता है, वो मशरूम उसको मिल गया। आके उसको मम्मी को दे दिया, बोला मम्मी तुम खाना बनाओ, नदी से हम नहा के आते हैं, हम आके खाएंगे, हमको बड़ी जोर की भूख लगी, बहुत दिनों के बाद मेरी फेवरेट खाना आज मिली है, जल्दी खड़ी करके रखना। उसका मम्मी बोली ठीक है। वो खाना बना कर रख रही थी, उसके दौरान क्या हुआ, उसका ननद आ गई, वो जो टीचर की जॉब करती है, वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम में। उसके जो बीवी क्या किया, वो लड़के का बीवी क्या किया, उसके ननद को खाना दिए, थोड़ा उसका बच्चा के लिए बचत करके रखा, बाकी उसको सब दे दिए। वो बोले हमको और चाहिए, बोले और थोड़ा तो है, बेटा लेके आया था, आएगा तो वो रोएगा, फिर उसको थोड़ा उसके लिए बचत करना है। बोला तुमको कॉमन सेंस नहीं है, हम घर चला रहे, हम प्रेग्नेंट है, हमको खाने की इच्छा है, मतलब तुम नहीं दे रही हो, वैसे करके झगड़ा करने लगा। वो क्या क्या गुस्से में आके सब कुछ दे दिया। उसके बाद उसका बेटा आया, आके बोला मम्मी मम्मी जल्दी मुझे खाना था, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। उसका मम्मी खाना दिया, दूसरा खाना दिया, लेकिन वो तो नहीं था, मशरूम नहीं था। बोला ये नहीं जाए मम्मी, बस मुझे मशरूम दे दो, मेरा हो जाएगा। बोला मशरूम तो नहीं है, तुम्हारे फूफी ने खा लिया। वो गुस्सा हो गया, छोटा बच्चा था, 10th का बच्चा, मतलब माइंड तो मैच्योर नहीं है, वो गुस्सा हो गया। बोला ऐसे कैसे दे दिया, मैं लेके आए थे, देना आए थे। बोले तुम वो तो खा लो बेटा, क्या कर सकते हैं, वो तो प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेग्नेंट है तो क्या करूँ मैं ना, वो तुम्हारे फूफी है, घर चला रही है, हम तो मतलब डर के मतलब करना पड़ेगा सब कुछ काम। बोले तुमको थोड़ा सा बचत करके रखना चाहिए था। बोले वो मांग के खा लिया, झगड़ा करके छोड़ दो बेटा। वो लड़का बहुत गुस्सा आ गया, उसका हाथ में एक लकड़ी आया, उसके मम्मी को ऐसे फेंक गया गुस्सा करके। फेंकने बाद उसके मम्मी के हाथ में जितना चुड़िया थी ना सभी टूट गया। उसको गुस्सा आ गया उसका मम्मी को, बोला तुम इतना बड़ा हो गया समझ में नहीं आ रहा है। उसका जितना मतलब ननद के ऊपर इतना गुस्सा था, उसके बेटे के ऊपर सब कुछ उतार दिया। बोला तुमको समझ नहीं आ रहा है, मर क्यों नहीं जाते तुम, एक दिन में मर जाओ, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, हमेशा खाने के लिए मरते रहते हो, मर जाओ एक दिन, जाके मर जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे से बेटा, विधवा कर दिया मुझे, मेरा सारी चूड़िया तोड़ दी। गुस्सा होकर ऐसे बोल दिया। वो लड़का तो खाना नहीं खाता,
हटा करके ट्यूशन से आया था, स्कूल के लिए लेट हो रहा था उसको, जैसे बैग लेके चला गया, खाना भी नहीं खाया, जाके किया क्या, एक टॉवल लेके गया था, गमछा है बोलते हैं ना, वो लेके गया। उनकी बाग में एक आम का पेड़ था, आम के पेड़ में वो रस्सी डल के मर गया। छोटा बच्चा था, माइंड मैच्योर नहीं था, उस टाइम में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उसी एज का बच्चा को मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, वो जाके मर गया। उसके मम्मी को डाउट हुआ, खाना नहीं खाया था, जाके देखा तो बैग कुछ ही उसको छुपा के रखा था घर में, बैग लेके नहीं गया था, वो सोचा स्कूल चला गया। जाके देखा उसको डाउट हुआ, वो ढूंढने लगा उसको, देखा तो गांव वाले आके बोल दिए तुम्हारे बेटा उधर मर गया है, रोड से दिख रहा था तुम्हारा बेटा उधर मर गया। उसका मम्मी दौड़ दौड़ के गई, जाके देखी तो वो खत्म हो चुका है। फिर दिक्कत और बढ़ने लगी, उसके बाद बहुत झगड़ा हुआ, वो लड़की ससुराल चली गई, मेरी जो ननद थी ना वो ससुराल में जाके रहने लगी और उधर नहीं रही। उसके बाद खाने पीने के लिए उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ, दो भाई सेपरेट भी हो गए। घर चलाने के लिए वो क्या सूरत चला गया, सूरत में ऐसे जाके उधर कुछ लफड़ा किया, कुछ चोरी किया था और कुछ हेरा फेरी किए थे, मतलब लेबर कंट्रैक्टर ऐसा था, कुछ हेरा फेरी किए थे। उसके लिए क्या किया, किसी ने बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, किसी ने उसको, जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसने उसको मार के काट के उसके घर के एड्रेस में भेज दिया। तब उसके एज भी कम था, देखिए उसका फैमिली कैसे तहस नहस हुआ, कैसे मतलब जैसे तैसे करके बीवी ने उसकी बेटी की शादी करवाई गरीब घर में, और उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं। अगर हम मतलब इंसान है तो भूल जाएंगे, खुद को भगवान समझेंगे, खुद पार कर जाएंगे, तो भगवान तो हमको हमारी औकात दिखाएंगे। इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नरक है, सब कुछ इधर ही है, जैसे करने वैसे हमको बनना ही पड़ेगा। वो थोड़े से मतलब दया नहीं दिखाई थी उसको पहली बीवी के ऊपर, वो कितने सपने लेके आई थी शादी करके उसके साथ घर बसाने के लिए सोची थी, लेकिन सारे सपने वो ख़त्म कर लिए, उसके ज़िंदगी उसके जान ले ली। उस क्या हुआ, काम एज में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो कुछ करने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि एक बार हम कर देंगे ना उसके बाद अफसोस के सिवा हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।